और उसका जो मीनिंग होता है वो कंप्लीट मीनिंग उसका हमें समझ में आना चाहिए इस तरह के जो सेंटेंस हम देखेंगे उसी को बोलेंगे सेंटेंस ओके लेट अस सी द एग्जांपल हियर हियर यू कैन सी द ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओके स्टूडेंट्स हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर वन टू थ्री एंड फोर देयर आर फोर वर्ड्स एंड दिस आर कॉल्ड ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स नो सेकेंड वट इट्स टेल दैट शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर अभी हम देखेंगे ये प्रॉपर ऑर्डर में है क्या इसका कंप्लीट मीनिंग हमें समझ में आता है या नहीं ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस ने देन गुड राम इज ए बॉय दिस इज अवर सेंटेंस इट मीन्स गुड राम इज अ बॉय इसका मीनिंग होता है अच्छा राम है लड़का माई डियर स्टूडेंट्स क्या आप इस तरह के सेंटेंस कभी सुनते हो अच्छा राम है लड़का डू यू फील हियर दैट समथिंग इज मिसिंग यस वी फील हीयर दैट समथिंग इज मिसिंग एंड बट वेयर हेयर मिसिंग दैट दीज ऑल वर्ड्स इज नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर इस सेंटेंस में जो वर्ड है उस वर्ड को प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लगाया है इसीलिए हमें इसका मीनिंग भी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो चलो इस सेंटेंस को हम ठीक कर देते हैं वो कैट हीयर नाउ राम इज ए गुड बॉय हाउ डू यू फील नाउ यस वी फील नाउ इट्स अ Correct meaning and correct sentence. Ram is a good boy. Ram ek achha ladka hai. Okay. Now we can understand the difference between this sentence and this sentence. Here words are here, but these words are not in proper order, so we can't understand this its meaning. And here, uh, here words are also presented and in those words in proper order we can see here, and so we can understand its meaning. सो दिस इज नॉट प्रॉपर ऑर्डर वर्ड्स एंड हीयर आवर सेंटेंस इज मेकिंग गुड एंड प्रॉपर ऑर्डरली सो स्टूडेंट्स इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उस तरह के सेंटेंस हम हमारी लाइफ में बहुत सारे सेंटेंस यूज करते हैं है ना तो इन सारे सेंटेंस का डिवाइडेशन किया है फोर टाइप्स में उसी को हम बोलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज ओके सो लेटस सी हियर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर दियर एंड विचार दे लुकियर नाम काइंडस ऑफ सेंटेंसेज देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज विच आर दे फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस सेकेंड एंट्रोगेटिव सेंटेंस थर्ड इज इंपेरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ इज एक्सक्लमेटरी सेंटेंस तो हमारे जितने भी सेंटेंस होते हैं वो सारे सेंटेंस इन फोर टाइप्स में आते हैं सो वी आर गोइंग टू नाउ लेट्स एक्सप्लेन अबाउट दिज ऑल पर्टिकुलर सेंटेंस टाइप्स ओके सो लुक एट हियर फर्स्ट सेंटेंस वट इज़ दैट असरटिव सेंटेंस हियर फर्स्ट इज What सेंटेंस mean इज मीन sentence? दिस टाइप ऑफ सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट सच अ सेंटेंस इज कॉल्ड assertive सेंटेंस इसका मतलब है स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में एक स्टेटमेंट बना जाता है बनाया जाता है मतलब एक वाक्य बनता है जो एक सिंपल वाक्य होता है उसी को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस जिसे हम मराठी में भी बोलते हैं विधानार्थी वाक्य एक सेंटेंस क्रिएट करना एक स्टेटमेंट क्रिएट करना मतलब होता है असर्टिव सेंटेंस ओके अभी ये जो असर्टिव सेंटेंस है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सो लेट इस लुक हियर इट स्टार्ट विथ सब्जेक्ट इट मीन्स कैपिटल लेटर्स ओके फर्स्ट वर्ड वेयर इट हैज अ कैपिटल लेटर्स एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप इट मीन्स ये असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है मतलब सब्जेक्ट का जो भी वर्ड होता है जो नाउन होता है उसका कैपिटल लेटर्स होता है फर्स्ट में एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप लास्ट में उस, उसको उस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आता है सेम लाइक धिस ओके वी कैन ऑल्सो सी हियर अवर एग्जाम्पल राम इज ए गुड बॉय दिस इज ऑल्सो असर्टिव सेंटेंस दिस इज आवर स्टेटमेंट सेंटेंस ओके राम इसका नाउन जो है राम जो सब्जेक्ट है उसका आर कैपिटल लेटर्स आता है राम इज ए गुड बॉय लास्ट में फुल स्टॉप आता है दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस अभी ये जो स्टेटमेंट्स के असर्टिव सेंटेंस होते हैं उस सेंटेंस के टू टाइप्स होते हैं वो है अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस ओके यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं करना है स्टूडेंट्स हमने बेसिक में बताया आपको जो सेंटेंस हमारे होते हैं उस सेंटेंस के फोर टाइप्स हैं ओके दैट इज़ असर्टिव सेंटेंस interrogative sentence imperative sentence and exclamatory sentence these are the four types of sentences but here we are going to learn about first uh, sentence that is assertive sentence and in this assertive sentence it has a uh, two parts that is affirmative and negative affirmative means positive uh, statement and negative statements okay so look at here some examples that you can understand what is mean by assertive sentence and its types affirmative and negative Here you have given four examples of the assertive sentence. Look at the first example. Birds fly in the sky. iska meaning hai birds fly in the sky. Birds sky mein udte hain Okay? यह sentence हमारा statement है. अब यह हमने assertive sentence कैसे आईडेंटिफाई किया? First जो noun है, first जो word है, इसको हम subject बोलते हैं. और उस सब्जेक्ट का फर्स्ट लेटर कैपिटल है ओके एंड लास्ट में फुल स्टॉप आता है जब भी हम आपको आइडेंटिफाई किया जा करना है असर्टिव सेंटेंस कौन से है तो आपको क्या देखना है फर्स्ट वर्ड इज इट्स कैपिटल लेटर एंड लास्टली फुल स्टॉप ओके दिज आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस इज हियर ही इज ए गुड बैट्समैन इट मीन्स वह एक अच्छा बैट्समैन है ओके सो हियर यू कैन ऑल्सो सी capital letter of the he this is a noun it means pronoun and this is the subject of the sentence and at lastly you can see here full stop it means capital start with capital letter and ends with a uh, full stop that is called assertive sentence also you can see in th third sentence lions don't eat grass here you can see capital letters of the first word and lastly full stop it means lions ग्रास नहीं खाते हैं ओके स्टूडेंट्स ऑल्सो लुक एट द लास्ट सेंटेंस दैट इज दैट इज नॉट फेयर ओके दैट इज नॉट फेयर हियर इज ऑल्सो यू कैन सी फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस हियर कैपिटल लेटर विद स्टार्टिंग एंड लास्टली एंड्स विद फुल स्टॉप इट मीन्स दिज ऑल सेंटेंस आर स्टार्टिंग विद अ कैपिटल लेटर्स ऑफ द सब्जेक्ट एंड लास्टली यू कैन सी हियर ऑल द फुल स्टॉप्स आर एंडिंग okay it means these all are the assertive sentences okay but what is the difference between these four sentences here you can see two uh, two types of uh, assertive sentences that is these first two sentences you can see affirmative affirmative it means positive sentences and this uh, third and fourth sentence these two sentences you can see here that is negative sentences it means students first those sentences may yappe निगेटिव कुछ भी दिखाई नहीं देता जब हम निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं तो वहाँ पे नॉट का यूज़ किया जाता है नो नॉट नथिंग इन वर्ड्स का यूजिंग किया जाता है hey, यहाँ पे भी डोंट दिया है थर्ड सेंटेंस में यू कैन सी हियर डोंट वर्ड इट मीन्स डू नॉट ओके दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डू नॉट ओके इट मीन्स थर्ड सेंटेंस एंड फोर्थ सेंटेंस यू कैन सी हियर निगेटिव यूजिंग बाय डोंट एंड नॉट बट दिस टू सेंटेंसेस फर्स्ट एंड सेकेंड सेंटेंस यू कैन यू कॉन्ट सी हियर दिस टाइप ऑफ एनी वर्ड Of negative 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 word okay so we can see here we can uh, uh, say here these two sentences are affirmative sentence and these two sentences are negative sentence it means these assertive, assertive sentences has two parts that is affirmative sentence means positive and negative sentence which you can see here students hopes you understand our first type of uh, sentence that is assertive sentence okay Now let us see the second types of sentence and it is a interrogative sentence. It means प्रश्नार्थक वाक्य Okay. So here this type of sentence always ask a question such it is called interrogative. इस सेंटेंस में जब भी हम क्वेश्चन आस्क करते हैं किसी को क्वेश्चन पूछते हैं तो उस वाले सेंटेंस को हम interrogative सेंटेंस बोलते हैं अभी इस सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है लुक हियर इट स्टार्ट्स with wh वर्ड और हेल्पिंग वर्ड एंड एंडस विथ अ क्वेश्चन मार्क ये इंटरागेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं कौन से डब्ल्यू एच वर्ड व्हाट हाउ भेन व्र ये जो सेंटेंस है ये जो वर्ड्स है वो डब्ल्यू एच वर्ड्स कहलाते हैं एंड हेल्पिंग वर् दैट इज डू डज डिड दिस इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ड ओके इट मीन्स इंटरागेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ डब्ल्यू एच वर्ड और हेल्पिंग वर्ड एंड एंडस विथ इसके एंड में क्या होता है क्वेश्चन मार्क

डू यू लर्न डू यू लाइक डांस इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तब आपका आंसर क्या आएगा येस और नो इसलिए इसको बोलते हैं येस नो टाइप क्वेश्चन इट मीन्स वर्बल क्वेश्चन इट मीन्स इन शॉर्टली इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज ऑल्सो टू टाइप्स दैट इज डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन एंड वर्बल क्वेश्चन लेटेस्ट सी द एग्जाम्पल्स ऑफ दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज यू कैन सी हियर ऑल्सो फोर सेंटेंसेज सो लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस व्हाट इज यूअर नेम वी ऑलवेज आस्क टू अवर फ्रेंड्स दैट व्हाट इज योर नेम ओके

वर्बल क्वेश्चन हेयर वी कैन मेक वर्बल क्वेश्चन बाई यूजिंग डू एंड डज अभी इन एग्जाम्पल्स में आपको क्या देखना है कि ये एग्जाम्पल किस तरह से इंटरव्यूटिव सेंटेंस बनते हैं फर्स्ट में हमने क्या बोला इट स्टार्ट्स विद्ल्यू एच वर्ड और हेल्पिंग वर्ड हेयर वी कैन सी वॉट वेर डू एंड डज दीज ऑल आर द डब्ल्यू एच वर्ड एंड एंट्र हेल्पिंग वर्ड्स ओके एंड लास्टली वी कैन सी हेयर क्वेश्चन मार्क विथ ऑल द एग्जाम्पल्स एंडिंग ओके इट मीन्स Every statement, every uh, sentence starts with a WH word or a helping verb, and lastly, we can see here question mark. So this is an interrogative sentence. Hope you understand students. Let us see the next types of sentence that is imperative sentence. What is mean by imperative sentence? See here. Imperative sentence is a sentence which makes a suggestion. Makes a suggestion. गिव्स अ कमांड और ऑर्डर मेक्स अ रिक्वेस्ट और एक्सप्रेस अ विश इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस इट मीन्स स्टूडेंट्स इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वह सेंटेंस सजेस्ट करते हैं उस सेंटेंस सेंटेंस के द्वारा हमें सजेशन देते हैं सूचना देते हैं अल्सो ऑर्डर भी देते हैं देन मेक्स अ रिक्वेस्ट कभी कभी रिक्वेस्ट भी करते हैं और एक्सप्रेस अ विश हमारी कुछ विशेष जो होती है वो भी इस सेंटेंस के थ्रू विश एक्सप्रेस की जाती है दिज ऑल थिंग्स आर हैपन बाय दिस इम्पेरेटिव सेंटेंस सो नाउ लेटस सी हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज अम्पेरेटिव सेंटेंस अल्सो इट स्टार्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस इट स्टार्ट विथ मेन वर्ब ओके मेन वर्ब मीन्स एक्शन वर्ग ऑफ अवर सेंटेंस इट स्टार्ट विथ अ मेन वर्ब एंड एंडस विथ फुल स्टॉप ओके स्टूडेंट्स मतलब यह जो सेंटेंस होते हैं वह सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं मेन वर्ब मतलब हमारे जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उस वर्ड से यह सेंटेंस स्टार्ट होगा और एंड्स होगा फुल स्टॉप से ओके स्टूडेंट्स इन दिस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वन थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट दैट इज इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज ऑलवेज यूजअली ओमिटेड ओके ओमिटेड मतलब हाइड यहाँ पे इस सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट होता है जो नाउन्स होते हैं वो नाउन्स वो सब्जेक्ट हिडन होते हैं मतलब वो वहां पे राइट डाउन नहीं करते हैं वो ऐसे ही माना जाता है सपोज किया जाता है ओके लेट अस सी द एग्जांपल्स हियर फर्स्ट एग्जांपल इज सिट डाउन दिस इज अ अम्पेरेटिव सेंटेंस व्हाट इज मीन बाय दिस वर्ड सिट डाउन नीचे बैठो इट मीन्स इट शोज द ऑर्डर ओके इट शोज द ऑर्डर एंड दिस ऑर्डर फॉर होम That is a you. You sit down. Here we can see also you sit down. But you is here always hidden. Omitted. Okay. So in imperative sentence, we also write down sit and down. Okay. Sit down. This is our imperative sentence. Sit is a main verb. Which is start with main verb and ends with full stop. This is called imperative sentence. In next sentence, we can also see here. Please give me your pen. Here also we can see first word is our main verb and lastly this sentence is ends with full stop okay this is also imperative sentence third sentence is here close the door close is also main verb and lastly we can see here full stop fourth sentence is here also thank you here also we see this sentence starts with our main verb and ends with full stop it means these all sentence are in imperative sentences okay students now let us see the fourth and last types of sentence that is exclamatory sentence okay students now look at the what is mean by exclamatory sentence this sentence expresses a sudden surprise wonder happiness pity and feeling our thoughts it means ishtaraka sentence may hame sudden surprise achanak surprise वंडर होता है कुछ आश्चर्यजनक ऐसे कुछ वर्ड्स हमें मिलते हैं या फिर ऐसे सेंटेंस मिलते हैं कभी कभी हैप्पी से होते हैं हैप्पीनेस के होते हैं कभी पीटी के होते हैं एंड कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जिस सेंटेंस से हम हमारे थॉट्स को फील कर सकते हैं ओके इट मीन्स ये सारे जो वर्ड्स आपको यहाँ पे दिए हैं उस वर्ड्स का जो फीलिंग्स होता है वो फीलिंग्स हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दिखाई देते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस

exclamation mark se so let us see the example here first example what a lovely sunrise it is okay ye jo it is hai wo kabhi kabhi aise directly write down bhi kar sakte hain aur isko hide bhi kar sakte hain okay what a lovely sunrise itna bhi sentence hum bol sakte hain aur what a lovely sunrise it is aise bhi hum bol sakte hain okay it means our sentence starts with a what Letter, what word, and ends with a question mark. Let us see the next example. How beautiful you are. Okay. Its meaning. How beautiful you are. It means here also we can see first letter starts with a how and ends with our the sentence exclamation mark. Okay, students. Next third lesson, third example is here. वाट आर न्यूज क्या बातमी लाई क्या खबर लाई है ना इस तरह से इस कमी नहीं होता वाट हो आर न्यूज इट मीन्स हियर ऑल्सो वे कैंसी द फर्स्ट वर्ड इज व्हाट एंड लास्टली वे कैंसी हियर एक्सक्लेमेशन मार्क फोर्थ सेंटेंस इज हियर हाउ वाइज शी इज वह कितनी होशियार है हियर ऑल्सो वे कैंसी फर्स्ट लेटर फर्स्ट वर्ड इज हाउ एंड लास्ट एंडिंग अ एक्सक्लमेशन मार्क इट मीन्स दिज ऑल सेंटेंसेस आर आवर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इट मीन्स इस सेंटेंस से हमें यह पता चलता है कि हमारे इस सेंटेंस में सरप्राइज सडन सरप्राइज होते हैं वंडर होते हैं, हैप्पीनेस होती है पीटी होती है फीलिंग अवर थॉट्स हमारे जो भी हैप्पी uh, के या फिर पीटी के सैड होते हैं जो भी न्यूज़ होती है या फिर अलग अलग जो फीलिंग्स होते हैं वो फीलिंग्स हम इस सेंटेंस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं Okay, so this is called exclamatory sentence, and this starts always starts with a what or how these two words and end with a exclamation mark. My dear students, I hope you understand the sentence, its meaning and what is the kinds of sentences we have learned now. so learn it uh, in at your home also. learn it again and again so we can go ahead in, in next period. okay, thank you.